वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश को लेके। प्रेजेंटली बांग्लादेश में जो एक्सट्रीमिस्ट है उन लोगों के तरफ से डिमांड रखा गया है कि बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है और जो नेशनल एंथम है उसको चेंज कर दिया जाए। तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है और ये चेंज करके बांग्लादेश को क्या फायदा होगा या फिर ये सब जो आइडिया है ये बांग्लादेश को कहाँ से आ रहा है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करते हैं शुरू से, मतलब जिस टाइम में बांग्लादेश के जो पीएम शेख हसीना थी वो जिस टाइम में रिज़ाइन किया था। हम लोग देखे कि शेख हसीना के रिज़ाइन करने के बाद से बांग्लादेश में हर चीज़ में चेंजेस हम लोग को नोटिस करना पड़ रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस हो रहा है। और अभी जाके ये नया डिमांड आया है कि भाई नेशनल एंथम को भी चेंज कर लो, नेशनल फ्लैग को भी चेंज कर लो। और हो सकता है कि आगे जाके बांग्लादेश ये सब स्टेप ले, ये लेगा या नहीं लेगा वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है बांग्लादेश का प्रेजेंट जो इंटरिम गवर्नमेंट है। मगर मुझे लगता है प्रेजेंटली जो इंटरिम गवर्नमेंट है उन लोगों को कुछ मेजर चीज़ में फोकस करना चाहिए। पहला जो मेजर चीज़ बांग्लादेश को इस टाइम में सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है कंट्री का इकोनॉमी। दूसरा है कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये जो जितना भी माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक हो रहा है, जितना भी कोई भी टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटी जो बांग्लादेश में अभी बढ़ता जा रहा है। थर्ड जो है बांग्लादेश के जो पुराने जेल में कैदी है, मतलब जो ऑलरेडी अपना सज़ा काट रहे हैं उन लोग को जो छोड़ दिया जा रहा है एक एक करके, ये सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी कंट्री का ज्यूरिडिक्शन ठीक नहीं रहा, जो जस्टिस डिपार्टमेंट है वो लोग कुछ ना कुछ देखने के बाद ही उन लोगों को ऑब्वियसली जेल के अंदर डाला था। ऐसा कोई भी टेररिस्ट को या फिर कोई भी प्रिजनर को छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये काफ़ी गलत है, ये बांग्लादेश को इसमें भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आगे जाके ये सब जो है ये आगे बांग्लादेश का जो इन्वायरमेंट है उसी को ख़राब करेगा। ऑन द अदर साइड डिफरेंट जो कंट्रीज़ है, जैसे कि हम लोग नेबर में हैं, हम लोग का भी इन्वायरमेंट को या फिर क्रॉस बॉर्डर जो टूरिज्म है ये सब भी ये ग्रो कर सकता है। अगर बांग्लादेश में गुड एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ एस्टेब्लिश हो जाता है तो ऑब्वियसली कंट्री जो है हो सकता है कि कुछ टाइम लगेगा मगर वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। मगर प्रेजेंटली जो कंडीशन है बांग्लादेश का, जब से ये इंटरिम गवर्नमेंट आया है ये 180 डिग्री टर्न ले लिया है, ये कम्प्लीटली यू टर्न ले लिया है। और आज के डेट में अगर देखा जाए बांग्लादेश अपने ही जो तरक्की किया था अपना पास्ट में जब शेख हसीना वहाँ के पीएम थी, उसके बाद से अभी बांग्लादेश कम्प्लीटली यू टर्न लेके अपना कंट्री का ही खुद से मतलब जितना भी प्रॉब्लम है वो फिर से इंक्रीज़ हो रहा है और इंटरिम गवर्नमेंट इसमें हेल्प भी कर रहा है। आज के डेट में अगर देखा जाए जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक हो रहा है इसको लेके दुनिया से इतना सारा कंट्रीज़ बांग्लादेश को इतना बार बोला मगर उस पर भी प्रॉपर कोई एक्शन लेके इसको कम्प्लीटली स्टॉप नहीं किया गया है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें बांग्लादेश में सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है जैसे कि इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी को भी सुधारने का कुछ कोशिश या फिर कोई जो स्टेप है वो भी कुछ अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो प्रेजेंटली बांग्लादेश में जो सारा स्टेप हम लोग को देखने को मिल रहा है वो सारा जो स्टेप है ऑब्वियसली जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनके ही सब डिसीजन है और इसके वजह से ये सब लिया जा रहा है। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली जो एक्सट्रीमिस्ट है बांग्लादेश के वो लोगों की तरफ से एक डिसीजन लिया गया है कि उन लोगों की तरफ से एक मांग आया है इंटरिम गवर्नमेंट को कि बांग्लादेश का जो फ्लैग है और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है इन दोनों को चेंज करना होगा। तो ये सुन के आप पूछ ही सकते हैं कि भैया फ्लैग क्यों चेंज करेंगे, कंट्री का फ्लैग तो जो होता है ये तो मतलब सालों साल से एक ही रहता है और वो बहुत कुछ डिनोट करता है और हमेशा उसको तो चेंज नहीं किया जाता है ऐसे इजीली। या फिर नेशनल एंथम को भी अगर हम लोग देख लें, डिफरेंट कंट्रीज़ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर हम लोग सारे जो कंट्रीज है जिनका खुद का सबका नेशनल एंथम है, कोई भी कंट्री इतना जल्दी लाइक 1971 से अभी सिर्फ 2024 हुआ इसके बीच में ही ये सब जो चेंज किया जा रहा है। तो हर कोई पूछ सकता है कि इसके पीछे रीज़न क्या है, एक एक करके बताते हैं। पहले आते हैं फ्लैग में। 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला साथ ही साथ पाकिस्तान को, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो कंट्री था टोटल कंट्री को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक है इंडिया और दूसरा है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान प्रेजेंटली जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान, उस टाइम में पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइड था, एक था आपका ईस्ट पाकिस्तान एक था वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जो है जो अभी हम लोग देख रहे हैं मैप में हम लोग को जो देखने को मिलता है पाकिस्तान, और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो था बांग्लादेश। उसके बाद से अगर हम लोग देखें डिफरेंट टाइम में पाकिस्तान में डिफरेंट जो ईस्ट पाकिस्तान है और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होता रहा। डिफरेंट टाइम में ईस्ट पाकिस्तान का जो डिसीजन था वो वेस्ट पाकिस्तान नहीं मानते थे या फिर वेस्ट पाकिस्तान बाय फोर्स ईस्ट पाकिस्तान में कुछ करना चाहते थे, जो लोग जो ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे वो लोग ये नहीं मानते। तो ऐसे बहुत कुछ हुआ और अल्टीमेटली 1971 में जाके बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया गया और बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिल गया। तो जो वेस्ट पाकिस्तान था वो ऑब्वियसली उस टाइम में वो लोग बोले कि हम लोग जो पाकिस्तान नेम है हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। ऑन द अदर साइड जो ईस्ट पाकिस्तान था उसका नाम रखा गया बांग्लादेश। बांग्लादेश मतलब यहाँ के जो सिटीजन्स थे वो लोग ज़्यादातर उन लोगों का जो मदर टंग था वो था आपका बांग्ला,
मतलब बंगाली लैंग्वेज, और इसी वजह से इस देश का नाम रखा गया बांग्लादेश। आगे जाके जब इसका फ्लैग के बारे में सोचा गया कि कौन सा फ्लैग होगा बांग्लादेश, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बांग्लादेश का जो प्रेजेंट फ्लैग है उसी को सिलेक्ट किया गया। इसमें दो कलर है, एक है आपका ग्रीन जो बांग्लादेश का जो ग्रीनरी है उसको रिप्रेजेंट करता है, ऑन द अदर साइड बीच में जो आपका रेड सर्कल है वो है एग्जैक्टली जो ब्लड जो 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ते हुए जब बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला उसमें जो फ्रीडम फाइटर थे उन लोगों का जो ब्लड है उसी को डिनोट करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ये जो बांग्लादेश का फ्लैग है प्रेजेंटली ये जो कंट्री है और कंट्री के जो फ्रीडम फाइटर थे उन लोगों को ही डिनोट करता है। इसमें कोई रिलीजियस टच या फिर ऐसा कुछ नहीं है, ये कंट्री का क्या रिलीजन है ये भी नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कंट्री के बारे में और कंट्री के लिए जो लोग लड़े हैं उन लोग के बारे में। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग दुनिया भर में जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन लोगों का फ्लैग देखें तो हम लोग को पता चलता है ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं मुस्लिम उन लोगों का फ्लैग में उन लोगों का जो रिलीजन है वो शो करता है। अगर आप पाकिस्तान को ले ले, अगर आप ईरान को ले ले, अगर आप सऊदी को ले ले तो ये सारा, या फिर मालदीव्स को भी ले ले तो आपको ये एक ही चीज़ देखने को मिलेगा कि ये जो कंट्रीज़ है ये लोग अपने तरफ से एक क्लीन एंड क्लियर मैसेज देता है कि भाई हम लोग का जो रिलीजन है वो हम लोग मुस्लिम रिलीजन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और हम लोग वही फॉलो करते हैं। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश में मुस्लिम रिलीजन जो है ज़्यादातर जो मेजर पॉपुलेशन है कम्प्लीटली मुस्लिम रिलीजन है, मगर उन लोग अपने तरफ से कभी भी फ्लैग में ये शो नहीं किया है जब बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला तब से। तो प्रेजेंटली क्या हुआ, प्रेजेंटली बांग्लादेश का कहना है कि भाई हम लोग ये जो फ्लैग है इसको हम लोग चेंज करेंगे और हम लोग दूसरा कोई रिलीजियस फ्लैग लाएंगे जिस फ्लैग में हम लोग का जो रिलीजन है वो शो करेगा इंस्टेड ऑफ हम लोग का जो कंट्री है या फिर कंट्री के जो फ्रीडम फाइटर है उन लोग के बारे में। क्योंकि 1971 में जब बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम लोग देखें बहुत कोई बांग्लादेश के लिए लड़ा था जैसे कि शेख मुजीबुर रहमान, बट प्रेजेंटली बांग्लादेश का जब से इंटरिम गवर्नमेंट आया है तो वो लोग बांग्लादेश का जो पास्ट है उसको मिटाने का कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखें कि शेख हसीना जिस टाइम में रिज़ाइन किया उसके बाद ही बांग्लादेश में क्या हुआ, जो शेख मुजीबुर रहमान के जितना भी अब आइडल्स थे सबको तोड़ा गया, डिफरेंट टाइप ऑफ जो पिक्चर थे वो सबको वहाँ से हटाया गया। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश का जो करेंसी है मतलब जो बांग्लादेश का नोट है उसमें भी शेख मुजीबुर रहमान का, मगर उसको कोई डिसरेस्पेक्ट भी नहीं किया और आज के डेट में भी बांग्लादेश में वही सेम करेंसी यूज़ हो रहा है जिसमें शेख मुजीबुर रहमान है। तो ये जो वेव है बांग्लादेश में कि अपना जो हिस्ट्री है उससे हम लोग निकल जाएंगे और हम लोग एक दूसरा कंट्री को एस्टेब्लिश करेंगे जिसमें रिलीजन जो थिंक है वो हम लोग ज़्यादा आगे दुनिया को सामने लाएंगे, तो ये वेव के वजह से ये डिसीजन लिया गया है डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से कि हम लोग का जो फ्लैग है वो चेंज किया जाए। प्रेजेंटली इंटरिम गवर्नमेंट हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके ये जो फ्लैग है ये आगे चेंज कर दे, क्योंकि जब तक इंटरिम गवर्नमेंट है तब तक ये अगर ये हो जाता है तो ठीक है, ऑन द अदर साइड अगर इलेक्शन के बाद होता है तो हो सकता है कि उसमें कुछ टाइम लगेगा और इंटरिम गवर्नमेंट क्या करेगा ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है मोहम्मद यूनिस पे। तो अब आते हैं नेशनल एंथम पे। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है दैट इज़ अमर सोनार बांग्ला, ये एक बंगाली सॉन्ग है जो लिखा गया था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा और इसका मतलब है माय गोल्डन बंगाल, मतलब एग्जैक्टली जो कंट्री है उसके बारे में ये डिनोट करता है। ये जो सॉन्ग है ये कोई भी रिलीजन को डिनोट नहीं करता है, ये सिर्फ बांग्लादेश का जो कंट्री है उसको डिनोट करता है। इस नेशनल एंथम में जो म्यूज़िक प्रोवाइड किया गया था वो आपका प्रोवाइड किया गया था गगन हरकरा के द्वारा और इसको जो अरेंज किए थे वो थे समर दास। तो प्रेजेंटली बांग्लादेश का कहना है कि ये जो नेशनल एंथम है जिसमें ये कंट्री को डिनोट कर रहे हैं इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, मतलब बांग्लादेश नहीं एग्जैक्टली बांग्लादेश के एक सर्टेन जो एक्सट्रीमिस्ट है उन लोगों का कहना है कि इसको भी हम लोग चेंज करेंगे और हम लोग को कंट्री के बारे में नहीं, हम लोग को एक ऐसा नेशनल एंथम चाहिए जो रिलीजियस थॉट जो है एग्जैक्टली मुस्लिम रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है वो हम लोग नेशनल एंथम करेंगे। मगर अभी जो शेख हसीना चली गई तो अभी जो एक्सट्रीमिस्ट है वो लोग अपने तरफ से कुछ भी बोल रहे हैं और उन लोगों का डिमांड है कि भाई नेशनल एंथम नेशनल फ्लैग सबको चेंज करो, और हो सकता है कि मोहम्मद यूनिस आगे जाके इस पर कोई डिसीजन ले, बट प्रेजेंटली मोहम्मद यूनिस जो है वो अपने तरफ से कह रहा है कि भाई हम लोग का जो नेशनल एंथम है ये इतना जल्दी हम लोग चेंज नहीं करेंगे, मगर फ्लैग के बारे में मोहम्मद यूनिस का गवर्नमेंट अभी तक कुछ नहीं बोला। मतलब इन फ्यूचर हम लोग देख सकते हैं कि आगे जाके बांग्लादेश का जो फ्लैग है ये बहुत जल्दी चेंज हो सकता है अगर इंटरिम गवर्नमेंट चाहेगा, और जो फ्लैग आएगा उसमें बांग्लादेश को डिनोट नहीं किया जाएगा, उसमें एक पर्टिकुलर जो रिलीजन है उसको डिनोट किया जाएगा, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये सब सुनने के बाद आप एक बात पूछ ही सकते हैं कि भैया ये सब जो हो रहा है बांग्लादेश में ये तो बांग्लादेश का मतलब ऐसा क्या है, मतलब कैसे ये सब हो गया और कौन है इसके पीछे। आज के डेट में अगर हम लोग बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश अपना जो दोस्त है वो चेंज कर रहा है, जो पुराने दोस्त थे उन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं या फिर उन लोगों के साथ बांग्लादेश अपना कोई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करना चाह रहा है। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश अपना जो
नया दोस्त थे वो बना रहा है। तो इन सब में नया दोस्त जो है बांग्लादेश का वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के तरफ से ये सारा कुछ मतलब बांग्लादेश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें बांग्लादेश क्या करेगा, जैसे कि मैंने कहा आपको फ्लैग या फिर नेशनल एंथम, ये सब में पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट है या फिर पाकिस्तान में जो जो चीज़ ऑलरेडी किया गया है वही चीज़ को आज के डेट में बांग्लादेश फॉलो करने का कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियसली नया दोस्त के साथ दोस्ती करेगा तो उनका ही बात मानेंगे बांग्लादेश, और यही हो रहा है। हो सकता है कि इन फ्यूचर में हम लोग को देखने को मिले कि बांग्लादेश का जो हालत है, अगर इस टाइम में बांग्लादेश का इकोनॉमी रिकवर नहीं करता है या फिर बांग्लादेश के इकोनॉमी को फिर से एक कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो आगे जाकर बांग्लादेश का हालात भी पाकिस्तान की तरह हो सकता है। दो दोस्त उस टाइम में एक साथ ही मिल जाएंगे। तो प्रेजेंटली बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट है उन लोगों के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं वो लोग क्या करेगा। मुझे लगता है कि बांग्लादेश के कुछ कुछ सेक्टर, जैसे मैंने आपको कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक सेक्टर, ये सब में काम करना चाहिए। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश जो है अपना पुराना जितना भी मतलब शेख मुजीबुर रहमान का आइडल था वो सब तोड़ने में, उनका पिक्चर तोड़ने में, या फिर नेशनल एंथम को चेंज करने में, या फिर फ्लैग चेंज करने में अपना जो टाइम है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं उन लोगों का गवर्नमेंट का क्या सोच है। आगे इस रिलेटेड अगर कुछ भी अपडेट आता है मैं आप लोग के लिए नया वीडियो बना दूंगा। होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU SPACE PAUL को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियो मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है, आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है उन तक पहुँचता है कि आपको क्या देखना अच्छा लगता है, और हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। अगर अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट कर सकते हैं। जब भी सब्सक्राइब कर रहे हैं बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो के आने का डिफरेंट टाइम होता है, जब भी कोई भी वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन इंस्टेंट पहुंच जाएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।